हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राहुल क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड करेंगे। क्वेश्चन है cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री। तो जैसा कि इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको इसका टेबल पता होना चाहिए, जैसे कि मैंने ट्रिग्नोमेट्री टेबल बताया था, तो ये आपको पता होना चाहिए कि cos 45 का वैल्यू क्या है, sec 30 डिग्री का वैल्यू क्या है, cos 30 का वैल्यू क्या है। तो ये आपको पता होगा तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो जैसा कि आपके पास है cos 45, तो आप इसमें देखिए कि cos 45 की बात कर रहा है, तो cos 45 का क्या होता है, 1 अपॉन रूट 2। तो हम क्या लिखेंगे, cos 45 की जगह पे 1 अपॉन रूट 2, ठीक है। इसके बाद अपॉन sec 30, तो आपको पता होना चाहिए कि sec 30 का क्या होता है, तो sec 30 का 2 अपॉन रूट 3 होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं sec 30 का होता है 2 अपॉन रूट 3, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 अपॉन रूट 3 प्लस cosec 30 का। अब यहाँ पे cosec 30 का चाहिए, तो देखिए cosec ये आपके सामने रहा cosec 30 यहाँ ये है, 30 के सामने वाला यहाँ देखा जाए तो 2 है, तो cosec 30 का क्या है, 2 है, तो प्लस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसके बाद 1 अपॉन रूट 2 फिर अपॉन, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है, तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, रूट 3 होगा। तो रूट 3 के टेबल में रूट 3 कब आता है, 1 बार में, तो 2 का 2 होगा, प्लस 1 के टेबल में रूट 3 कितने बार आता है, रूट 3 बार में, तो 2 को जब रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 रूट 3, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। इसके बाद आपके पास है 1, अच्छा यहाँ पे चेक ये करना है, अब यहाँ पे देखना ये है कि जो नीचे वाला होता है वो ऊपर में चला जाता है, मतलब जैसे ये 3 है इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, हमने पीछे क्लास में ही बताया है। तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 3 से करेंगे अपॉन, इसके बाद रूट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 प्लस 2 रूट 3, ठीक है। 2 प्लस 2 रूट 3 को किससे करेंगे, रूट 2 से करेंगे, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गया। इसके बाद देखिए रूट 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, रूट 3 हो गया अपॉन, रूट 2 को 2 से करेंगे क्या होगा, 2 रूट 2 होगा। इसके बाद प्लस रूट 2 को 2 रूट 3 से करेंगे तो क्या होगा, तो इसका हो जाएगा 2 रूट 6, ठीक है। कैसे, तो रूट 2 को जब रूट 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट 6 हो जाता है कि नहीं, तो ये ऐसे हो जाएगा, तो 2 रूट 2 प्लस 2 रूट 6। यहां तक बात समझ में आ गया। अब यहाँ पे करना ये है कि आपने रैशनलाइजेशन पढ़ा होगा, प्रमेयकरण जिसे कहते हैं, ये यहाँ पे करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे रूट डिनोमिनेटर में लगा हुआ है, तो इसे हमें नोमिनेटर में मतलब डिनोमिनेटर में हर नहीं होना चाहिए, मतलब हर में आपका ये रूट नहीं होना चाहिए, तो इसे मैं रूट हटाने के लिए इसका प्रमेयकरण करते हैं, जिसे रैशनलाइजेशन कहा जाता है। तो ठीक है, रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं मैं बताता हूं। अगर यहां प्लस है तो जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये प्लस की जगह पे सिर्फ साइन चेंज होता है, माइनस होता है, बाकी और कुछ नहीं होता, जैसा है वैसा ही लिख देंगे। तो इनटू लिखेंगे 2 रूट 2, प्लस है क्या हो जाएगा, माइनस 2 रूट 6, ऊपर भी उसी से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी किससे करेंगे, 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 6। ऐसे इसलिए किया जाता है कि अगर देखा जाए तो a प्लस बी ए माइनस बी के होल स्क्वायर में इसे चेंज करने के लिए किया जाता है, अगर देखा जाए तो ऐसे ही किया जाता है। तो जब मैं फिर इसे रूट 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 6 ही होगा, क्योंकि रूट 3 से फिर मल्टीप्लाई करना है अपॉन, देखिए ये a प्लस बी ए माइनस बी, मैंने बताया था a प्लस बी एंड a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो a प्लस बी क्या होता है, a प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर पूरा क्या है, ए स्क्वायर मतलब 2 रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 रूट 6 का होल स्क्वायर, यही होगा। चलिए यहां तक आपको पता चल गया। इसके बाद और रूट 3 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा, 2 रूट 6, क्योंकि 2 का 2 ही रहेगा, रूट 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 रूट 6 होगा, तो लिखेंगे यहाँ पे 2 रूट 6 माइनस, यहाँ पे देखिए 2 का 2 रहेगा, रूट 3 को रूट 6 से करेंगे होगा 2 रूट 18, ठीक है अपॉन, इसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए 2 का स्क्वायर 4 और इस दोनों इस रूट 2 में से एक 2 निकलेगा, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 2 जा क्या होगा 8, तो 8 माइनस 2 2 जा 4 और 6 में से एक 6 निकलेगा, तो 4 6 जा क्या होगा 24, तो 24। यहां तक बात समझ में आ गया। इसके बाद करना यह है कि जैसे कि 2 रूट 6 माइनस 2, अच्छा 18 का आप ऐसे फैक्टर कर सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 2 कर सकते हैं, 3 जा 9 2 जा 18 और अपॉन में क्या होगा माइनस 16, क्योंकि 24 में से ये माइनस होगा। चलिए इसके बाद यहां पे देखिए
टू रूट सिक्स माइनस टू इंटू दो थ्री में से वन थ्री चला निकल जाएगा बाहर और रूट टू का टू रहेगा अपॉन क्या होगा माइनस सिक्सटीन. तो फिर देखिए टू रूट सिक्स माइनस थ्री टू जा सिक्स रूट टू होगा, तो चलिए सिक्स रूट टू अपॉन क्या होगा माइनस सिक्सटीन. अब क्या है यहाँ पे डिनोमिनेटर में माइनस लगा हुआ है, मतलब हर में माइनस लगा हुआ है, तो मुझे इस माइनस को हटाना होगा क्योंकि हर में माइनस नहीं होना चाहिए. तो हम क्या करते हैं कि ये जो है ऊपर में हमने माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है. जब हम माइनस कॉमन ले लिए और हमने टू कॉमन ले लिया क्योंकि टू के टेबल में टू आता है और सिक्स भी आता है, तो हमने माइनस टू कॉमन ले लिया, ठीक है. इसके बाद जो साइन होता है ना, जैसे ये हमारा माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे रूट सिक्स बचा तो माइनस रूट सिक्स होगा, तभी तो फिर माइनस से माइनस कटेगा, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो टू रूट सिक्स आ जाएगा, ठीक है. कॉमन लेने आता होगा आप लोगों को. इसके बाद फिर माइनस है तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और टू थ्री जा सिक्स थ्री रूट टू हो जाएगा, अपॉन में क्या होगा माइनस सिक्सटीन. तो माइनस से माइनस गया, टू वन जा टू टू एट जा सिक्सटीन, मतलब क्या आ गया मेरे पास, आपके पास आया माइनस रूट सिक्स प्लस थ्री रूट टू अपॉन एट, यही आया. लेकिन मुझे ये आंसर नहीं गिवन है, मुझे ये आंसर गिवन है थ्री रूट टू माइनस रूट सिक्स अपॉन एट, ये आपका आंसर है. तो आप ऐसे भी लिख के आएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसा लिखा गया है थ्री रूट टू माइनस सिक्स ये आपका आंसर दिया गया है. तो मैंने इसे अगर आप इसको पलट दे इधर रख दे इधर रख दे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी आपका आंसर सही था. तो चलिए आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए. मिलते हैं एक फिर छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय, थैंक यू.